मस्त होंगे। दोस्तों आज हम पहला ब्लॉग अपना शूट कर रहे हैं राजस्थान के एक कोटा ज़िले में। कोटा के आगे बूंदी जो एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, और यहाँ आप देख सकते हैं इस एरिए में सिर्फ़ और सिर्फ आपको पहाड़ ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो आज मैं इस पहाड़ के बारे में बताऊंगा, इस पहाड़ को पहाड़ से इस पत्थर से क्या बनता है और कैसे बनता है। इस पत्थर को गाइज इस पहाड़ को उड़ाते हैं बॉम्ब से उड़ा देते हैं, फिर उसके बाद क्या बनता है मैं आपको चलिए दिखाता हूँ क्रेशर पे जहाँ पर मशीनें लगी हैं, और बॉम्ब कैसे लगा के उड़ाते हैं सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं हम चल रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको, ये है पहाड़, ये देख सकते हैं आप कितनी ऊंचे चट्टान हैं। और मैं आपको इससे और गहरी खाई में लेकर चलता हूँ, सबसे गहरी जहाँ पर इन्होंने बॉम्ब से उड़ाया है। तो चलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और कुछ नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर खेती भी नहीं होती, सिर्फ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, उपजाऊ ज़मीन नहीं है यहाँ पर। और मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं ये, अब इसके नीचे चलते हैं, चलो आगे से चलते हैं। ये पहाड़ कितना गहरा है मैं आपको दिखाता हूँ, और इसे इस पत्थर का तोड़ाई करके और जो रोड पे पत्थर बिछाया जाता है उसी, यहाँ आप देख सकते हैं कितना ऊंचा पहाड़ है। रोड पर जो पत्थर बिछाया जाता है उसके बाद फिर रोड बनती है, ये पत्थर वही बनते हैं यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं कितना ऊंचा है, और मैं यहाँ पर आपको चारों तरफ दिखाता हूँ, और ये नीचे खाई भी है, और इससे भी गहरी खाई एक और है, बहुत ही गहरी खाई है, मैं आपको दिखाता हूँ चलिए। तो थोड़ा तेज चलते हैं गाइस, और ये आ गया हमारा, ये यहाँ मैं बीच में खड़ा हूँ, और यहाँ के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। मैं सबसे नीचे खड़ा हूँ, और इससे भी गहरी एक और खाई है, मैं आपको चलिए दिखाता हूँ वो भी गहरी खाई। तो गाइस हम आ गए हैं, और यहाँ देख सकते हैं आप कितनी गहरी खाई है, और यहाँ पर पानी निकल आया है, यहाँ पर पानी आ गया है, क्योंकि पत्थर को निकालते हुए यहाँ पर हमारी आवाज़ लौट रही है। गाइस बहुत ही अच्छा जगह है ये, देख सकते हैं कितनी ऊंची पहाड़ी है, और यहाँ से यदि आप तेज से बोलोगे तो आवाज़ आपकी लौट रही है। गाइस ये देख सकते हैं बहुत ही गहरा है, और मैं इसे आपको दिखा रहा हूँ, नीचे नहीं जा सकता, काफ़ी गहरा है, और नीचे से जाने के लिए वहाँ बहुत दूर से जाना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना गहरा है ये, और इसके ऊपर ये कितने ऊंचे पहाड़ हैं। गाइस यहीं पर ये बॉम्ब कैसे लगाते हैं आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये बॉम्ब हाथों से बनाया जाता है, जिसे कहते हैं हथगोला, उसी से उड़ाते हैं ये। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने ऊंचे हैं, ये गाइज यहाँ पर इस पहाड़ पे सिर्फ आपको एक ही पेड़ नज़र आएंगे जो कि
वन बबूर के नाम से जाने जाते हैं, ये देख सकते हैं। सिर्फ इसमें कांटा होता है, बाकी कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कांटा होता है। तो यहाँ पर सिर्फ यही पेड़ नज़र आएंगे। आइए चलिए मैं ऊपर लेकर चलता हूँ और चारों तरफ का एरिया आपको दिखाता हूँ कि कैसा है। तो दोस्तों हम आ गए हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना गहरा है ये खाई। और आगे चलते हैं गाइज। इस पहाड़ को उड़ाने के बाद इसके पत्थर को पीस कर 3-4 टुकड़ों में करते हैं, छोटे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, और ऐसे ऐसे। सबसे बड़े पत्थर जो होते हैं वो रोड के लिए उपयोग किए जाते हैं, रोड बनने में, और उससे छोटे हैं जो उसे घर में लगाते हैं छत का लिंटर डालने के लिए, और जो सबसे छोटे हैं वो दीवार बनाने में काम आते हैं। देख सकते हैं कितना गहरा खाई है दोस्तों। सबसे ऊपर मैं खड़ा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। चारों तरफ का एरिया कैसा है, सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों से घिरा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ आपको नज़र आएंगे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। और चलिए मैं और आगे आपको दिखाता हूँ कि इसकी मशीनें कैसी लगी हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ दूर दूर सिर्फ पहाड़ ही नज़र आएंगे आपको, बाकी कुछ नहीं आएगा। देख सकते हैं चारों तरफ का एरिया मैं दिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ खाई और पहाड़। जो पत्थर निकाल लिए हैं वहाँ खाई हो चुका है। तो चलिए मैं मशीनों को दिखाता हूँ आपको, बहुत ही बड़ी बड़ी मशीनें हैं। तो गाइज यहाँ देख सकते हैं ये मशीनें हैं। गाइज यहाँ वीडियो बनाने का अलाउ नहीं है, फिर भी मैं दूर से आपको मशीनें को दिखा रहा हूँ। और आपके यहाँ जो पत्थर जाते हैं वो सारे यहीं से जाते हैं। इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही हैं चारों तरफ, जो उसके पिसाई होकर और बारीक टुकड़े करके आपको मिलेंगे। जो जितने भी पत्थर आपके यहाँ जाते हैं सारे यहीं से जाते हैं, यहाँ खेती नहीं होती है, यहाँ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं। और पहाड़ के ऊपर बसे हुए छोटे छोटे गांव भी हैं, यहाँ आप देख सकते हैं गांव, छोटे छोटे घर भी नज़र आ रहे होंगे आपको, दो दो चार चार घर के गांव हैं छोटे छोटे। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी गाड़ी, डंपर और रोड, कितनी सारी कुछ हैं। और गाय जी मैं आपको दिखाता हूँ, आगे हमारे उस्ताद जी जो कि लोडर चलाते हैं, मैं इन्हीं के गाड़ी पे रहता हूँ। और ये लोडर इस गिट्टी को ट्रक में लोड करता है। ये आइए मिली हमारे उस्ताद जी से, ये हैं हमारे बॉस। नमस्कार सब भाइयों को। और देख सकते हैं यहाँ पर ये रही मशीनें सारी, और इसके आगे भी एक बड़ा प्लांट लगा हुआ है, वहाँ सबसे बड़े बड़े पत्थर तुड़ाई होते हैं। तो चलिए वहाँ भी आपको दिखाते हैं हम।